चार धाम यात्रा के चौथे दिन जब हम उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर रहे तो रास्ते में हमें बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं तो हम एक स्थान पर एक माता जी की पालकी हमें नज़र आई। हमने वहाँ रुककर उधर के लोगों से जानकारी प्राप्त करी तो उन्होंने बताया ये रेणुका माता की पालकी है जो पास के ही नज़दीकी गांव में स्थापित मंदिर से गंगोत्री के लिए जाते हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि हमारे लोगों की जो मन्नत होती है जब वो पूरी हो जाती है तो पालकी को लेकर माता रेणुका की जो पालकी है उसको लेकर गंगोत्री धाम जाते हैं। उसी दरमियान हम इस यात्रा में सम्मिलित हुए, पूजन अर्चन में हम लोग सम्मिलित हुए, हम लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया और उधर के लोगों से इधर की संस्कृति उधर की पूजा व्यवस्था के बारे में समझा। बहुत ही भले लोगों से मुलाकात हुई और उनसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और उनने इस यात्रा वृत्तांत के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। हमारी माता रेणुका है और इसका स्थान सरनुल में है। ये उत्तरकाशी जिला के नौगो ब्लॉक के सीमांत गांव सरनुल में इनका निवास स्थान है। और जो माता रेणुका है इसका 4 जून को प्रतिवर्ष मेला लगता है, बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है जिसमें आप लोग भी आए हैं। माता रेणुका है कि जरूर आप चाहिए आओ, जरूर आओ, उसमें बुलावा है आप लोगों को, आप जरूर आओ। और हम लोग गंगोत्री जा रहे थे यात्रा में। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि हम लोग जिसकी भी कोई श्रद्धा होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, क्या करते हैं माता नीचा है ना, हम लोग अपने मन से कोई इच्छा रखते हैं कि हम लोग यात्रा करवाएंगे। तो जिस भक्त ने ले गया, मैं इसका कुल पुरोहित हूँ, और तो जिस भक्त ने ले गया तो मतलब हम लोग इनके साथ चल रहे हैं। आपकी मनोकामना भगवत जी जरूर पूरी करेंगे। आप लोगों की भावना कितनी अच्छी है, ये बालिका देखो कितनी अच्छी है भैया। ठीक है बेटे, बाय। ठीक है भाई साहब।